आज ब्रेकफास्ट में खाएंगे हम पोटैटो चीज शॉर्ट्स, ये मकैंस जो होते हैं ना वो, तो ये लेके आए मेरे हस्बैंड, दो लेके आए हैं अलग अलग तरीके के, तो आज मैं ये वाले तलूंगी। तो मैंने कढ़ाई रख दिया और इसको ना फ्रीज़र में स्टोर करके रखते हैं, जैसे ही आपको तलने होते हैं तो आप तुरंत फ्रीज़र से निकाल लो। तो अभी ब्रेकफास्ट में हम यही तलेंगे। और चीज़ वाले ना बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, है ना, चीज़ वाले अच्छे लगते हैं ना। चलो तो कढ़ाई का में हो गया तेल गर्म, मेरा रिफाइंड, अब इसको हम तलते हैं फटाफट से। ये मैंने डाल दिया फ्राई होने के लिए, और ये चीज़ वालों का थोड़ा केयरफुली तलना है, क्योंकि ना उसमें से चीज़ कभी कभी बाहर निकल आती है, फूट जाते हैं। फिलहाल अभी तो मेरे नहीं फूटे, लेकिन कभी कभी फूट जाते हैं। जला नहीं रही, दो बस, अभी हम खाएंगे इसको सॉस से। और ये आप लोग मंगाना, पता जल्दी में कोई मेहमान आ जाए तो फटाफट का नाश्ता है ये, और मतलब हम लोगों को इतने पसंद हैं ये। और पता इसमें ना बहुत सारी वैरायटियां मिलती हैं, इसमें स्माइली मिलती है। उस दिन आप कौन कौन से लेके आए थे? उस दिन मैं लेके आया था एक समोसा, एक आया था चिली शॉर्ट्स, हाँ एक चिली शॉर्ट्स, एक स्वीट मैक्रोनी, वो हाँ। स्वीट स्वीट कॉर्न समोसा, हाँ स्वीट कॉर्न समोसा, वो भी बहुत टेस्टी थे। थोड़े महंगे मिलते हैं वो, शायद 135 का एक पैकेट, और ये है 125 के। तो अभी हम इसी का ही करेंगे नाश्ता, और जल्दी का पता है मेहमान आ जाए कोई भी, और हमारा हो कि बहुत जल्दबाजी है, तो आप इन सब को अलग अलग वैरायटियाँ मंगा सकते हो, तो आपकी वैरायटियाँ भी काफ़ी हो जाती हैं और फटाफट से बन भी जाता है, आपको मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। थोड़े से एक्सपेंसिव हैं बस, क्योंकि बहुत कम निकलते हैं ये, 150 रुपये और एक के पैकेट में ना, है ना, कम निकलते हैं ये। अभी खाते हैं इनको, देखा लगी चीज़ मेल्ट नहीं हुई, अच्छा अच्छा ठंडी रह गई, तो ठीक है अभी और देख लेते हैं। ये देखो ये ना अंदर भरी हुई होती है इसकी चीज़, और ये अच्छे से फ्राई हो गए, और मतलब इतने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है कि जो अंदर से जो चीज़ है ना वो मेल्ट हो जाए। अभी पहले हमारी जो चीज़ थी ना वो मेल्ट नहीं हुई थी, क्योंकि फ्रीज़र में रखे हुए थे ना, जैसे बहुत ज़्यादा वाले, तो भाई आप लोग भी लेके आना इसको। 5 मिनट में बनने वाला ये ब्रेकफास्ट है, और मज़ा खाने में बहुत आता है इसको। चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ये पी रहे हैं दूध, मैं पी रही हूँ चाय, तो करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइव विद टीना। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और टाइम है अभी दोपहर का, तो अभी लंच टाइम नहीं हुआ, दोपहर के बजे है 12:30। तो हम लोग जा रहे हैं अभी अपने न्यू घर, क्योंकि आज ना वहाँ लग गए स्विच बोर्ड, तो अभी हम लोग स्विच बोर्ड देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन भैया कर रहे हैं काम वहाँ, और मैंने आपको होल्डर और जो सीलिंग लाइट्स है वो तो दिखा दी कि जब लगी थी, तो आज स्विच बोर्ड लगे हैं वो दिखाऊंगी मैं आपको। और बस जल्दी जल्दी हो रहा है हमारा घर कंप्लीट, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है, 10 अप्रैल को हमें शिफ्ट होना है, 9वीं वाले दिन हमें शिफ्ट होना है, तो इसी वजह से हम लोग जल्दी जल्दी काम करवा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाए। और यार घर बनने में ना बड़ा टाइम लगता है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो घर बनाना बहुत ही बड़ी क्या कहते हैं खीर है, इतनी मुश्किल हो जाती है ना, मतलब एंड टाइम में आके जब फिनिशिंग का काम होता है ना, तो इतना पैसा लगता है, इतना पैसा लगता है कि पूछो मत। हम लोग जो बजट लेके रखे थे कि इस बजट में हमारा हो जाएगा, उससे 1-2 लाख रुपये और ज़्यादा, पर पता नहीं वो बजट तो कब का क्रॉस कर गया, और पैसे लगे ही जा रहे हैं, और घर है कि कंप्लीट नहीं हो रहा। तो बस चलिए चलते हैं अभी नए घर, और उसके बाद जाएंगे हम शीशा देखने, जो हमें अपनी विंडो पे और उस पे जो दो दरवाजे हैं ना हमारे बेडरूम के, जो मैंने आपको दिखाए थे, उन पर लगना है मिरर, तो हम लोग वही देखने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अभी, और पहले आपको स्विच बोर्ड दिखाऊंगी, उसके बाद जाएंगे हम शीशे वाले के पास, तो वहाँ भी आपको लेके चलूँगी। ये देखो हमारे स्विच बोर्ड भी हो गए हैं तैयार,
और हमने ना सारे एंकर के लगवाए हैं स्विच पर। और ये सारे तुम्हारी पसंद के हैं ये भी बता दो। हाँ, और तार डलवाए हैं क्योंकि हमें ना हैवल्स में पसंद नहीं आ रहे थे, तो इसलिए हमने एंकर, और एंकर भी काफ़ी पुरानी है और अच्छी कंपनी है। और बाकी तार वगैरह हमने सब चीज़ें उसके लिए ना हैवल्स की हाँ बाकी सब चीज़ें हैवल्स की हैं, बस ये स्विच बोर्ड क्योंकि हमें उसमें पसंद ही नहीं आ रहा था। ये तार ये तो मोटे मोटे भी सब हैवल्स की हैं। हाँ, और ये सारी हमारी जो है ये सब है वायरिंग सारी हमारी हैवल्स की है। तो बस अभी हो रहे हैं वाइट वाला, अंदर ही दिखाना जरा, अंदर जो लगा वाइट वाली दीवार पर ये अभी ढीले ढीले छुड़वा दिए क्योंकि अभी काम होगा ना, तो उसके बाद जब पेंट वेंट हो जाएगा तब इसे टाइट करवाएंगे। क्यों वहाँ लगा वो लग तो रहा है? हाँ, एक वो मैंने कहा था हेमंत भाई से, मैंने कहा यार एक लगा तो वो लगा। ये हमारे बिजली वाले हैं, अगर किसी को बिजली का काम होता है इससे संपर्क करें। भैया हाँ मैं अभी मोटर पर ये वाला पर क्या कहता है इसमें वहाँ भाई बिल्कुल आर पार हो जाएगा इसमें, तो ये ब्लाइंड नहीं है ये, इसमें आ रहा है। हाँ ये ब्लाइंड है यार बिल्कुल। हाँ देख लो कुछ नहीं दिख रहा इसमें, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है क्लियर, पर इतना नहीं, इसमें भी इतना इतना ज़्यादा कम दिखता है बस खाली लाइनिंग में से। तो गाइस हम लोग शाम को गए थे घर से बाहर किसी काम से, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो बाहर ही कुछ खा पी लेते हैं, और बहुत टाइम हो गया था बर्गर खाए हुए। तो घर के पास में एक दा बेकरी है, वहाँ मैं कभी गई नहीं थी, तो हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं वो वहाँ लेके जाता हूँ तुझे। तो हम लोग वहाँ दा बेकरी आए थे और हमने खाया था अपना चीज़ बर्गर, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी था खाने में। और हमने ना एक एक खाया बस, और हम लोगों का पेट भर गया इसी में ही। तो चलिए हम लोग खाते हैं और आप लोग भी एंजॉय कीजिए। बाहर से खा पी के क्या, बस हमने अपना चीज़ बर्गर ही खाया और उसी में हमारा पेट पूरा अच्छे से भर गया। और ना बहुत टाइम से मन हो रहा था कुछ बाहर का खाने का, वैसे तो आज ना मेरा टिक्की खाने का मन कर रहा था, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चल मैं तुझे दा बेकरी लेके चलता हूँ, वहाँ का बर्गर खिलाता हूँ तुझे। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब जैसे मैकडी वैकडी बहुत दूर है हमारे यहाँ से, तो उससे उसी का टेस्ट लगा मुझे, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मेरी तरफ से, मतलब बिल्कुल अच्छा था वो, कि हाँ है कि दा बेकरी का जो बर्गर है वो अच्छा है। तो बस वहाँ खाया और आ गए हम अपने घर, जो काम वाम था वो हमने निपटा लिया। तो टाइम अभी 9 बजने वाले हैं, 9:15 हो गए। तो मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग यहीं करती हूँ, पूरा दिन मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि मैंने क्या क्या किया और कैसे कैसे हमारे घर का काम आगे बढ़ रहा है, वो भी मैंने आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया है। तो अपनी वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं, कल मिलते हैं आपसे अपने नए ब्लॉग में। और जैसे कि मैं आपको डेली बोलती हूँ लास्ट में कि अगर मेरी आज वाली वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।